मथुरा थाना जमुना पर स्थित रामनगर में नगर निगम की खाली पड़ी जमीन को भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसे लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा नगर निगम के उच्च अधिकारी को सूचना दी गई, जिस पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने देखा कि भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं, जिसे लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने उसे जमीन पर से भूमाफियाओं का कब्जा हटाया तथा नगर निगम का एक और लगा दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां कुछ जमीन सरकार द्वारा पट्टे काट दिए गए थे, उन पर भी भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से की गई तो नगर निगम अधिकारियों के द्वारा भूमाफियाओं के द्वारा जो कब्जा कर रखा था उसे हटा दिया गया। वहीं लोगों ने कहा इस भूमि का सांसद हेमा मालिनी के द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन भूमाफियाओं ने उस पर अपना कब्जा कर रखा था और वह सड़क को भी नहीं बनने दे रहे थे, लेकिन अब सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही सड़क बना दी जाएगी। भगवान दास कहाँ के रहने वाले? रामनगर। क्या घटना हुई है तुम्हारे यहाँ पर अभी? अभी घटना का ये डूडा वाले वो नगर निगम वाले आए, जमीन चेक कर रहे हैं कि ये नगर निगम की जगह है कि कैसी है, सरकारी है तो ये सरकारी जमीन हम रह रहे हैं, पट्टी कटी हुई है हमारी। क्या भूमाफिया यहाँ पर कुछ कर रहे हैं क्या? ये अपनी बाउंड्री की है, इनने पहले की है, फिर वो तोड़वा गए नगर निगम वाले। अच्छा, फिर क्या? फिर अब घूम रहे हैं। नगर की जमीन पर भूमाफियों ने कब्जा किया, क्या मानते उसको लेकर? देखिए, ऐसा हुआ कि माननीय सांसद हेमा मालिनी के द्वारा एक 200 मीटर का सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था मरीन बस्ती में, ये है असोनई टप्पा से लेके और रामनगर तक। उसके बीच में कुछ लोगों ने अवरोध लगाया और ये कहा कि यहाँ ज़मीन हमारी है, और इसके बाद जब देखा गया तो पहले भी इस ज़मीन पे भी जो पीछे हमारे आप देख ही रहे होंगे, इस पर भी लंबे समय से कोई झगड़ा चल ही रहा था। नगर निगम पहले भी इसमें कुछ कार्य इनके तो किसी व्यक्ति द्वारा कार्य किए गए, उसको पहले भी नगर निगम ने तोड़ दिया था, क्योंकि नगर निगम इसे अपनी भूमि बताती और ये इसे अपनी भूमि बताते हैं, है ना? भूमाफिया अपनी बताते हैं। हाँ जी, तो इसमें प्लॉट काटने का कोई इनका प्रकरण जो भी चल रहा हो, ऐसा जनता ने, क्षेत्रीय जनता देखी, आप हजारों की संख्या में जनता है, उन लोगों ने अपना देखा और शिकायत करी है नगर निगम में। नगर निगम की टीम उनके अनुरोध पर यहाँ आई है, उन्होंने अपनी संपत्ति पर अपने बोर्ड स्थापित कर दिए हैं, और जो हेमा मालिनी द्वारा ये रोड का निर्माण कराया जा रहा था उसको भी अभी नगर निगम की टीम तय कर देगी और जल्दी वो बनेगा। कोई तोड़फोड़ भी की है? नहीं, तोड़फोड़ तो शायद नहीं करी, लेकिन अपना अपनी ज़मीन पर उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए ज़मीन पर। हाँ, आपको सरकार से मिला है जी? कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? यहाँ रह रहे हैं कम से कम 20-25 साल। 20-25 साल से रह रहे हो। सरकार ने आपको जमीन भी दिया, मकान भी दिया? नहीं, जमीन दी है सर, और जी अब डूडा से हुआ है। डूडा से मकान बने हैं ना? सरकार से ही तो बने हैं। और आगे किन का मकान है? रामवती के तीन ही मकान है। रामवती के पति का नाम क्या है? गुलाब सिंह। वो भी यही आपके साथ में ही रह रही है? हाँ। आपके समय से ही रह रही है 20 साल से? हाँ। कितने दिन से रह रही है? कितने दिन से? 20 साल से। अच्छा, आप लोग यही रह रहे हो? हाँ। ठीक, सरकारी जमीन है ना? हाँ जी, ठीक।